नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार सिहाग। तो आज हम करेंगे इसका रिव्यू कंबाइन मशीन का, हार्वेस्टर का। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, जो आपकी ये हार्वेस्टर है इसके बारे में फुल डिटेल से बताएं। बिल्कुल सर, ये सर जो अपनी हार्वेस्टर है ये रशिया की कंपनी है गॉमशेल मैश, जिसका दिल्ली की कंपनी अरिशा एग्रीटेक के साथ जॉइंट वेंचर है। उसके थ्रू हम इसको इंडिया में लाए हैं और ये आपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि जो अपनी नॉर्मल इंडिया में कंबाइन हार्वेस्टर है वो 100 एचपी इंजन के साथ आती है और ये जो है 155 एचपी के साथ है। इसका मतलब मोटा मोटा ये हम मान के चलें कि जो काम हम पहले एक घंटे में करते थे उसको हम 45 मिनट में या 33-35 मिनट में कर सकते हैं, यानी डेढ़ गुना इसकी एफिशिएंसी पहले से बढ़ गई है। और उसके अलावा जो इसका इंजन बना हुआ है वो भी रशियन कंपनी का बना हुआ है, MMZ कंपनी है रशिया की, उसी का इंजन इसमें बिठा रखा है। और इसके जितने भी कंट्रोल हैं वो सारे कंट्रोल डिजिटल कंट्रोल हैं। एयर कंडीशनर कैबिन है इसका, चलाने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। और जो अपनी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी बेल्ट टूट गई, कभी पिस्टन लीक कर गया, कभी चेन टूट गई, वो सारा इसमें से निकाल के पूरा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया है और जिसका डिजिटल कंट्रोल अंदर कैबिन में बैठ के सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखने में चलाने में बिल्कुल कार की फीलिंग आती है इसमें। और इसके अलावा जो वेट है इसका, टोटल 10 टन वेट है इसका, जो अपनी नॉर्मल कंबाइंस रहती हैं उससे तकरीबन डेढ़ गुना वेट इसका ज़्यादा है। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो जो अपनी नॉर्मल इंडिया में एफिशिएंसी है वो है अपनी 3 से 4 केजी पर सेकंड निकालती है, और ये जो है ये 5 से 6 केजी पर सेकंड निकालती है। और मोटा मोटा हम बात करते हैं कि 18 टन जो है अपना 18 टन जो है एक घंटे में काम कर देती है ये। और इसके अलावा बाकी जो फ्यूल कंजम्पशन की हम बात करें तो 8 से 10 लीटर एक घंटे में इसकी कंजम्पशन है। बाकी जो डिटेल है अंदर कैबिन में जाके हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो वहाँ पे पूरा इसका डिटेल बन जाएगा। और इसमें क्या एडवांस फीचर है? एडवांस फीचर ये है कि ये सारा जो कंट्रोल है इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल हम सारा कुछ कैबिन में से ही कर सकते हैं। और जो बूम है इसका, बूम जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, अपनी जो नॉर्मल कंबाइंस होती हैं इसका बूम जो है इससे बाहर निकल जाता है, साइड में होता है, साइड में होता है। और ये फोल्डिंग है, ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं रहेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने इसको सुविधा दिया कि इसको निकाल के 90 डिग्री बाहर लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैरेलल अपनी ट्रॉली चलेगी और ट्रॉली में वीट अपने पूरी गिर जाएगी। इंडिया के बराबर 100 एचपी में भी चाहिए होगी तो वो भी हमारी नवंबर तक आ जाएगी। और इसका प्राइस रेंज क्या रहता है? प्राइस रेंज जो 155 एचपी की है ये अपने को 80 लाख की पड़ेगी। 80 लाख की पड़ेगी। अस्सी लाख की पड़ेगी। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।